दोस्तों का सत्यम स्वागत है इस वक्त जंतर मंतर में और यहाँ पे एक और सब लोग हैं, वकील लोग हैं यहाँ पे। इनसे पूछते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है, जो भी दिल्ली में यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है मामला है क्या नहीं मामला, क्या कितनी सच्चाई है, कानून सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनसे पूछते हैं। क्या लगता है कि जो कानून काम कर रहा है एक खिलाफ कानून कर रहा है कि सही कर रहा है? कानून जो काम कर रहा है अगर वो सही तरीके से करता तो इनको प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर कानून ठीक तरीके से काम करे, संविधान जो भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, जो बनाया है उसको बिना किसी छेड़छाड़ के लागू क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि उनको पता है आम जनता तो फिर किसी की मानेगी नहीं, लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र होगा तो फिर तानाशाही चलेगी नहीं, तो उससे फिर सरकार को ही नुकसान है। जो वो अभी भ्रष्टाचार फैला रही है, इतना करप्शन हो रहा है, सारी चीज़ें हैं वो अपने 5 साल के लिए आती है और सारी 60 साल तक की जो आजकल लोगों की सरकारी नौकरियां क्यों खाई जा रही है, इसी कारण खाई जा रही है। किसी को एक बार आ जाओ मीडिया में आने के लिए कि हम ये करते हैं वो करते हैं, करती सरकार कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली बगल में ही प्रधानमंत्री जी रहते हैं, अब इसमें जहां भी गए हों अब एक सांसद का साथ दे रहे हैं, लोग यहां बोल रहे हैं आखिरकार क्यों साथ दे रहे हैं? वो सांसद का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सांसद लोकतंत्र से मिलकर बनी है। अगर लोकतंत्र को ठीक तरीके से संविधान में लागू करा जाएगा तो प्रधानमंत्री हमने बना के भेजे हैं, वो अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारा एक एक वोट उनको गया है तो वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो उनको जनता के लिए जनादन के लिए काम करना चाहिए, जनतंत्र में रह के जनतंत्र की सेवा करनी चाहिए, ये नहीं कि अप अपनी सेवा करे, वो अपने ऐशो आराम पूरे करे और जो उनके साथ MLA मंत्री और भी मिले हुए हैं वो भी अपने मतलब कि खिलाड़ियों का या जिस भी तरीके से शोषण करे, उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। यदि उनको उनके पसंद के कोच दिए गए ना तो उन कोचों ने फिर अपनी पसंद से उनको यूज क्यों किया है, इस चीज का भी तो जवाब प्रधानमंत्री देना। आप क्या कहना चाहती हैं, इतने बड़े अपराध यहाँ लोगों ने लगाया है एक सांसद के ऊपर और उसका प्रधानमंत्री साथ दे रहे हैं, यहाँ के जो गृह मंत्री भी साथ दे रहे हैं, यहाँ पे आ ही रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन एक छोटी सी बात है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और उसी हिसाब से किया जाए ज़्यादा बेटर है। अगर उनकी जगह पे कोई आम आदमी होता तो भी क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती? जब कंप्लेंट होती तभी गिरफ्तारी हो जाती, जो अभी तक नहीं की गई है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अपनी सिस्टर्स के सपोर्ट में यहाँ आए हैं। कितना कब तक सपोर्ट में रहेंगे आप लोग? जब तक अगर ऐसा कुछ भी होता है आज इन फ्यूचर, आज पहला दिन आप लोग साथ में? हाँ जी, आज हम आए फर्स्ट टाइम है लेकिन सपोर्ट में तो स्टार्टिंग से है, और खाली हम नहीं पूरा देश सपोर्ट में है। आप ये कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं सरकार क्यों नहीं उस पे ध्यान दे रही है? आज 20-21 दिन हो गया है, अभी हाँ, क्या कर रही सरकार? सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा हमें। ठीक है, हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, स्त्री पुरुष सभी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्त्री अगर एक बात कहती है कि मेरे साथ कुछ भी हुआ है छोटे से छोटा, तो उसको बहुत हिम्मत करके वो कहने के लिए मतलब बहुत हिम्मत करनी पड़ती है अंदर से। तो अब उन्होंने हिम्मत करी है तो हम उनको साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सही है गलत है आरोप है आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर आरोप है तो भी साबित हो जाएगा, सच है तो भी साबित हो जाएगा। ठीक है, अगर आरोप है तो एक जना लगाएगा, दो लगाएगा, तीन लगाएगा, इतने सारे लोग नहीं लगाएंगे सेम आरोप। ब्रिजभूषण सिंह बोल रहा है कि अगर मैं गलत किया हूँ तो मोदी अगर बोल देंगे जेल चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा, तो मोदी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, बोलना छोड़िए। क्यों नहीं दे रहे हैं? इनके पक्ष में एक भी नोटिफिकेशन नहीं लॉन्च कर रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं आ रहा है? सब समझ रही है जनता, समझ रही है। ठीक है, ये कोई आपका ये नहीं है कि आप तानाशाह नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा होता, मैं होती ना, मान लो आप होते, तुरंत उठा लिया जाता कंप्लेंट। एक कंप्लेंट छोटी सी भी जाती है ना, आपको बुला लेते हैं थाने में, नहीं आते हो तो घर से उठा लेंगे। यहाँ तो इतना कुछ हुआ है, राजनीति हो रही है। अच्छा ये बताइए, देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले, इनका साथ अगर नहीं दे रही सरकार तो एक गरीब आदमी का साथ अत्याचार होगा? सरकार के अंदर मेंबर कितने? 500 प्लस होंगे, और इनके साथ कितने? 140 करोड़ लोग हैं। तो सरकार बड़ी है कि जो है जनता बड़ी है? सरकार बड़ी जनता तो सब कुछ करती है, एक है नहीं है। अब जो है इनका जो कर्नाटक का जो चुनाव था वो हो गया, और अब इसको शायद हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से कि शायद इसको 2-4 दिन में इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। होगी, विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है। बाकी यहाँ पे गोटे साहब लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या लगता है आपको?